जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि सभी शानदार जबरदस्त होंगे। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई की भर्ती आ चुकी है। 9 तारीख से इसका फॉर्म ऑनलाइन होगा। इस वीडियो में संपूर्ण डिटेल में जानने वाले हैं, इसके जॉब प्रोफाइल सैलरी से रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। देखिए, जो यूपी पुलिस एएसआई एसआई और इसके साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह का फॉर्म भरे हैं, उनके लिए समझ लो कि ये डबल अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं और निकाल सकते हैं। इसमें मात्र आपसे क्वालिफिकेशन 12th मांगी जाती है और सैलरी काफी अच्छी खासी देखने को मिलती है। संपूर्ण डिटेल में समझते हैं। तो जो भी सीरियस लड़के हैं, जिनके पास थोड़ी बहुत टाइपिंग का ज्ञान है, टाइपिंग कर लेते हैं, मतलब समझ लो कि काफी कम फॉर्म भराता है, आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। चलिए डिटेल में समझते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, सब कुछ आप समझ जाइएगा कि क्या कैसे होता है। देखिए, ये वैकेंसी सीएपीए की जितनी सारी डिपार्टमेंट है, सीआरपी, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये सारे डिपार्टमेंट में जो बाबू लोगों की भर्ती होती है उसकी भर्ती है। लेकिन रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है बीएसएफ को चूज किया गया, मतलब बीएसएफ के द्वारा रिक्रूट किया जाएगा। लेकिन भर्ती जितने सीएपीए डिपार्टमेंट है सब में देखने को मिलेगी और ये बाबू का सब पोस्ट है। तो ये तैयारी के लिए आप लोग क्या करिए कि आप लोग पहले तो एक प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए। किरण पब्लिकेशन के द्वारा प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, ले सकते हैं। और जीएस पे आपको पूर्णतः ध्यान देना है। जीएस का भी सामान्य ज्ञान का एनसीईआरटी पर आधारित जिन लोगों के द्वारा बुक बनाया गया है, इसको आप लेके और तैयारी जारी कर सकते हो। बाकी हम लोग सिलेबस में समझेंगे क्या क्या कहाँ से पूछा जाता है, बिल्कुल डिटेल में। देखिए, इस भर्ती के बारे में यदि हम लोग समझने चले तो सबसे पहले हम लोग सैलरी की बात ही करेंगे। तो देखिए, एचसीएम जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, ये लेवल 4 की नौकरी है। और एएसआई जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई, मतलब एक स्टार की जो भर्ती है, ये लेवल 5 की नौकरी है। कहीं ना कहीं इसकी सैलरी दोनों की 50,000 प्लस है। मतलब चाहे आप हेड कांस्टेबल बनते हो चाहे एएसआई बनते हो, 50,000 प्लस आपकी सैलरी देखने को मिलेगी। अब इसके थोड़े से सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं, फिर उसके बाद से जॉब प्रोफाइल में एंट्री करेंगे। देखिए, इसके सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपको रिटेन, और रिटेन के बाद से फिजिकल, फिजिकल के बाद से शॉर्ट हैंड टाइपिंग, फिर टाइपिंग, डीवी, उसके बाद मेडिकल। चार पांच प्रोसेस आपको जो है इसके सिलेक्शन प्रोसेस में देखने को मिलते हैं। अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो क्वालिफिकेशन 12th चाहिए, बस 12th। किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप पास हैं, आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाइट इसमें मेल कैंडिडेट का ओबीसी, जनरल और एससी 65 मांगा जाता है, फीमेल का 155 मांगा जाता है। बाकी शेड्यूल ट्राइब के जितने हैं, इनकी हाइट फीमेल का 150 और मेल का 162.5, मतलब 162.5 मांगा जाता है। तो इसमें जो है आपको दो चीज पे मुख्यतः ध्यान देना होता है, पहली रिटेन पे और दूसरा टाइपिंग पे, बस दो ही चीज मुख्य होता है। फिजिकल वगैरह काफी नॉर्मल होता है, लेकिन आपका जो है रिटेन और टाइपिंग जो है मुख्यतः इस पे ध्यान दिया जाता है। अगर टाइपिंग की बात करें तो थोड़ी सी टाइपिंग आपको समझनी होगी। टाइपिंग जो है आपको इसमें दो तरह के देखने को मिलती है। जैसे कि यूपी एएसआई एसआई कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह के फॉर्म भरते हो तो इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों कंपलसरी रहता है, लेकिन इसमें जो है या तो आप हिंदी में टाइपिंग कर लो या आप इंग्लिश में टाइपिंग कर लो। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, जो कि समझ लो कि काफी कम लड़के इसी वजह से फॉर्म भरते हैं। अगर एएसआई का फॉर्म भरना है आपको तो आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड रहता है, तो शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो एएसआई के लिए शॉर्ट हैंड आपको चाहिए, जिसका कम सीट है, 300-400 सीट है। बाकी हेड कांस्टेबल में स्टील का सबसे ज्यादा सीट है, 1200-1300 के आसपास सीट है। तो हिंदी की टाइपिंग की बात करें तो 30 वर्ड प्रति मिनट आपको आनी चाहिए, और इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड प्रति मिनट। तो ये आराम से 2 महीना 2.5 महीना प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। बाबू जॉब प्रोफाइल में समझाऊंगा कितनी रॉयल ये नौकरी है। ये थोड़ा सा सिलेबस इसका समझ लेते हैं कि सिलेबस जो है, सिलेबस आपको क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए, इसका सिलेबस जो है समझ लो कि इसमें जो है आपको मैथ पूछता है 20 क्वेश्चन, रीजनिंग पूछता है 20 क्वेश्चन, जीएस पूछता है 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर पूछता है 20 क्वेश्चन, और एक क्लर्कियल एप्टीट्यूड होता है जो पूछा जाता है 20 क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग की तरह ही होता है। तो ये जो है सिलेबस इसका, मतलब 100 क्वेश्चन 2 घंटे का पेपर होता है। ये खैर थोड़ा सा इसमें चेंजिंग भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी इसका फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन इतना आपको जो है देखने को मिलेगा। लगभग 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इस तरह से जो है आपको पार्ट वाइज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसमें देखिए, स्कोरिंग पार्ट आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, कहीं ना कहीं कंप्यूटर भी एक लिमिटेड सब्जेक्ट है, ये भी आपका हो गया। बाकी आपको ज्यादा से ज्यादा समय कहाँ लगाना है, क्लर्कियल जो एप्टीट्यूड है उस पे, जीएस पे, इस पे थोड़ा सा ध्यान आपको देनी पड़ेगी। बाकी अगर देखा जाए मोटा मोटी तो 40 आपसे इसमें रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं कहीं अच्छी खासी नंबर आराम से उड़ जाती है।
अब चलिए मेन पॉइंट पे बात करते हैं, जिसके लिए हो सकता है कि आप वीडियो देख रहे हो। जॉब प्रोफाइल, देखिए जॉब प्रोफाइल इसका काफी रॉयल है। आप भले हवलदार बनते हो, भले एएसआई बनते हो, ऐसे आप नॉर्मल एज ए सिपाही सीएपीए डिपार्टमेंट में एसएससी जीडी के थ्रू सिलेक्ट होते हो तो 15 से 20 साल लग जाते हैं आपको हेड कांस्टेबल बनने में। लेकिन आप जो है इसमें डायरेक्ट एज ए हेड कांस्टेबल सिलेक्ट होते हो और हेड कांस्टेबल बनने के बाद से जो है बाबू, बाबू का पद है, बाबू बाबू समझते हो ना, बड़े बाबू। जैसे कि जितना डिपार्टमेंट का लेखा जोखा है, जो भी सारी बटालियंस है सीएपीए की, किसी भी डिपार्टमेंट की, चाहे बीएसएच, चाहे आईटीबीपी, हर जगह बटालियन होती है या उसका यूनिट होता है। यूनिट में जो ऑफिस का कार्य होता है ये लोग देखते हैं। जैसे आपकी सैलरी से रिगार्डिंग ना, आपके लेखा जोखा से रिगार्डिंग, ये सारा काम जो है ये बाबू लोगों का काम होता है। अब बाबू से रिलेटेड मैंने इंटरव्यू भी लिया है अपने चैनल पे, लेकिन वो बाबू जो है यूपी पुलिस के हैं, तो आप जो है उस वीडियो को देख के थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे, क्योंकि सेम काम रहता है। आपको फील्ड में कहीं ड्यूटी करने जाना ही नहीं है। जैसे कि फील्ड में अगर आप सिपाही या एएसआई, एसआई कुछ भी अगर आप ज्वाइन होते हो तो आपको बाहर फील्ड में काम करने जाना पड़ता है, ड्यूटी करने जाना पड़ता है, लेकिन आपका सारा काम ऑफिस का रहता है और ऑफिस टाइम में आपकी ड्यूटी रहती है और सारा काम आपका कंप्यूटर और कॉपी पेन से होने वाला है भाई साहब। तो अपने आप में एक काफी रिस्पेक्टफुल जॉब है। बड़ा अधिकारी से लेकर छोटा अधिकारी का लेखा जोखा आप ही के पास रहता है, उसका लेखा जोखा आपको करना पड़ता है। और जो एएसआई होते हैं ये भी, इनका भी यही काम है, स्टेनो बोले जाते हैं ये जो होते हैं। जैसे कि डिपार्टमेंटल विभागीय लेटर वगैरह आता है तो ये अपने अपर अधिकारी तक उसको प्रोसीड कराते हैं, मतलब जो उनके अपर अधिकारी जैसे कि कमांडेंट हो गए तो कमांडेंट के पास लेटर भेजना, रिसीव कराना, ये सब इनका काम रहता है। तो कुल मिला जुला के दोनों का काम लगभग सेम रहता है। जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है ये सारा आपको अकाउंट से रिलेटेड, आपके कैरेक्टर से रिलेटेड, आपके ड्यूटी से रिलेटेड, आपके पेंशन सब कुछ से रिलेटेड ये आपका काम करते हैं, ठीक। और बाकी स्टेनो होते हैं ये भी लगभग यही काम करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जॉब प्रोफाइल समझ गए होंगे। जब फील्ड में कोई काम नहीं है तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, सारा काम आपके ऑफिस में है और भी कंप्यूटर के सामने है। थोड़ी सी प्रेशर वाली जॉब होती है, क्योंकि आपको भी पता है जब ऑफिस का काम थोड़ा सा प्रेशर भरा रहता है, आप ऑफिस में रहते हो तब भी काम करते हो और घर पे भी आ जाते हो, कोई लेटर कोई कागज घट गया तो आपको फोन करके बुलाया जाता है कि भैया ये आइए, वो करिए, वो करिए, है ना। तो इस तरह की चीजें थोड़ी सी देखने को मिलती है। जबकि आप सिपाही बनते हो तो सिपाही में क्या है, 8 घंटे की शिफ्ट किए, 4 घंटे 2 घंटे की शिफ्ट किए, उसके बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इसमें जो है बहुत ज्यादा जवाबदेही रहती है, लेकिन अपने आप में मैं बताया ना कि काफी रिस्पेक्टफुल जॉब है। जाते जाते आपको काफी हाई लेवल का रिस्पेक्ट मिलने वाला है, ठीक, और सैलरी तो अच्छी खासी आई है। तो जॉब प्रोफाइल इसका ये रहने वाला है। और मैंने बताया कि देखिए अगर आपके पास टाइपिंग है, हिंदी इंग्लिश कोई में टाइपिंग करते हो तो बिल्कुल इस फॉर्म को भरिए, काफी फॉर्म भरा जाता है और लड़के ज्यादा मात्रा में सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। टाइपिंग आपको भी पता है 30 वर्ड 35 वर्ड कम नहीं होता है, तो काफी कम मात्रा में लड़के सिलेक्ट होते हैं। तो अपने आप में काफी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यदि आपके पास टाइपिंग का स्पीड है या आप जानते हो तो काफी बेस्ट अपने आप में अपॉर्चुनिटी है। तो बिल्कुल इस फॉर्म को आप लोग भरिए और तैयारी में लग जाइए।